तो चलिए डाल लेते हैं नजर आज के दिन भर की तमाम खास खबरों पर। गरीबी इंसान के लिए एक अभिशाप है। तस्वीर में दिख रही ये महिला पिछले कई दिनों से भटक रही है। काम की तलाश में ये महिला कोलकाता आई थी, जहां इसे कोई काम नहीं मिला तो हार मानकर महिला ने बार में काम कर लिया। बार में काम करने के दौरान ही महिला की मुलाकात गिरीश शुक्ला नाम के एक व्यक्ति से हुई, जिससे इसकी गहरी दोस्ती हो गई। बाद में इन दोनों ने शादी कर ली। महिला का आरोप है कि शादी के 9 महीने बाद गिरीश के कहने पर महिला ने बैंक से 1,50,000 रुपये लोन लिए। लोन लेने के बाद गिरीश ने महिला से संपर्क तोड़ दिया और वह छिपता फिर रहा है। महिला का आरोप है कि पैसे वापस मांगने पर गिरीश इसे प्रताड़ित किया करता था। वही महिला ने गिरीश के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने इसकी कोई सहायता नहीं की। यह पीड़ित महिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट चुकी है। तो जब मैं काम के लिए आई थी तो हम लोगों को बार में लगा दिया गया, तो वहाँ पे हम लोग 10-15 दिन बार में काम किया। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, हम लोग वापस चंडीगढ़ चले गए। उस टाइम पे मेरे गिरीश शुक्ला से नंबर एक्सचेंज हुआ था। वो भी हम लोग सीढ़ियों से उतर रहे थे, तो उन्होंने मतलब मेरी फ्रेंड को पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने बोला कि मेरी फ्रेंड ने कि हम लोग यूपी से हैं, तो उन्होंने बोला मैं भी यूपी का रहने वाला हूँ, मऊ का। तो उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, ठीक है आप तो हमारे गाँव के उस तरफ के ही हैं, तो आप अपना नंबर दीजिए तो हम बात करेंगे। तो फिर नंबर एक्सचेंज होने के लिए बात होने लग गया। तो जब मैं यहाँ से चंडीगढ़ चली गई थी तो इनसे बात होने लग गया था, एज अ फ्रेंड होने के होते बात करते करते। तो इन्होंने मुझे बोला कि आप मतलब प्यार करता हूँ मैं तुम्हारे साथ और क्या कहते हैं, मैं शादी करूँगा। इन्होंने भी मुझे कोलकाता बुलाया। उसके बाद क्या कहते हैं, कैसे बुलाया वो, आप टिकट भेजे थे या? हाँ जी, उन्होंने मुझे टिकट मतलब कि जब मैं आई थी तब उन्होंने मुझे टिकट भेजा था। जब मैं यहाँ से जाने लगी थी, मेरी उस टाइम पे उनका दोस्त भी साथ में था जब मुझे लेने आए थे वो स्टेशन पे। कौन दोस्त था? मोहन सिंह। तो जानते हैं? हाँ जी। कहाँ रहते हैं? वो उनके वहीं पे रहते हैं, लेकिन मुझे जगह का नाम नहीं पता। मैं उनके कई बार घर भी गई हूँ उनके मम्मी पापा से। पहले चंडीगढ़ आए, चंडीगढ़ से कलकत्ता आए, बाद में काम किए, फिर नहीं हुआ वापस चले गए, फिर कलकत्ता आए। हाँ जी। उसके बाद उन्होंने मुझसे शादी किया। शादी? हाँ जी। डेट मालूम है कौन डेट को? 24 अगस्त को। 24 अगस्त? हाँ जी। कहाँ पे? काली मंदिर में। काली घाट? हाँ जी, काली घाट में। काली मंदिर को? काली मंदिर था। काली मंदिर की काली घाट? काली मंदिर। कौन सा काली मंदिर, कहाँ पे था? काली घाट एक कुछ बड़ा मंदिर है, लेकिन वो छोटा मंदिर था, काली मंदिर था वो। मुझे अब जब शादी करने के बाद जब वो मुझे स्टेशन से लेकर गए थे तब मैं होटल में रुकी थी। उन्होंने ये जैंगड़ा की तरफ कोई होटल है वहाँ पे, नहीं नाम नहीं मालूम, मोहन भी था साथ में, तो ये लोग मुझे वहाँ पर रोके। उसके बाद उन्होंने शाम को मेरा मोबाइल चोरी हो गया था ट्रेन में, तो उन्होंने मुझे मोबाइल खरीदा। और उसके बाद अगले दिन उन्होंने मुझसे शादी किया, फिर हम होटल में रहे, फिर उन्होंने सप्तऋषि अपार्टमेंट में घर खरीदा, फिर ये मतलब फ्लैट में, हाँ भाड़े पे लिया। तो वहाँ पे हम तब से ही मतलब कि तब से लेके अभी भी वही पे थे आप लास्ट तक? जब हम गए थे अगस्त से लेके जनवरी तक हम लोग सप्तऋषि अपार्टमेंट में रहे हैं। सप्तऋषि अपार्टमेंट टैगोरिया में। तो फिर उसके बाद जब वहाँ का रेंट 7,500 रुपये था, तो क्या कहते हैं, हमने रूम चेंज किया। उन्होंने पैसे की वजह से कि ज़्यादा रेंट है, दो रूम का वो है, तो हम क्या करेंगे, दो लोग हैं सिंगल रूम ले लेते हैं। तो उसके बाद वहाँ से उन्होंने अनामिका बिया बाड़ी है वहीं पास में ही थोड़ी सी दूर पे, वहाँ पे उन्होंने रूम चेंज किया। एग्रीमेंट किसके नाम से था? एग्रीमेंट उन्हीं के नाम से, गिरीश शुक्ला के। जो अनामिका बिया बाड़ी का एग्रीमेंट उसी के नाम से? हाँ जी। एग्रीमेंट कॉपी है? हाँ जी, दोनों की है। तो अभी जो लास्ट जो घटना हुई, आपको कब मालूम चला कि वो सारी सुविधा है? जब मैं लोग मार्च में मैं यहाँ से गई थी एटीएम लेने के लिए लॉकडाउन में, और तो फिर जब फुल लॉकडाउन हो गया था उसकी वजह से मैं नहीं आ पाई। मई में आई हूँ मैं, 22-23 मई को यहाँ पर कोलकाता। और जब मैं आई हूँ तब मुझे उनके दोस्त से पता चला, राजू सिंह भैया हैं, उन्होंने मुझे बताया। तो जब उन्होंने मुझे बताया, मैंने इनसे पूछा, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, तुमको इतना टाइम हो गया मेरे साथ रहते, तुमने कभी किसी का फ़ोन आते देखा है ये?
तो फिर मतलब काफ़ी लड़ाई झगड़े के बाद इन्होंने मुझे बोला कि हाँ मेरी शादी हुई थी, मेरा 2 साल पहले डिवोर्स हो गया था, जिसकी फिर 2 साल पहले डिवोर्स दिखाया उसने आपको? नहीं, उन्होंने बोला कि मेरा डिवोर्स हो गया था और तो वो छोड़ के चली गई थी, अगर मैं तुमको बता देता तो तुम मुझे छोड़ देती, ऐसे ऐसे करके वो बातें बोलने लगे। हाँ, ये तो मुझे अभी जब भाग गए वो, उनकी बहन ने जब लास्ट टाइम मुझे अभी कॉल किया था उनके भागने के बाद, मुझे पता चला कि जिसको वो बोलते थे कि ये मेरी बहन की बेटी है, हम लोगों ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है, वो उन्हीं की बेटी है। उनका घर कहाँ? मऊ में। हाँ जी, मऊ में ही है, बिहार में है। ये भी झूठ बोला उन्होंने कि मऊ में है। यहाँ पर कहाँ पे घर है उनका? यहाँ पे बैलिया घाटा फूल बगान। लास्ट आपका उनसे जो मुलाकात हुआ था? हाँ जी। कहाँ पे हुआ था लास्ट मुलाकात? जैसे कि झमेला होने के बाद? झमेला होने के बाद मैंने उनको 15 अगस्त के दिन शिवाजी रॉय का मीटिंग था बीजेपी पार्टी का, मानिकतला पोस्ट ऑफिस के पास में, तो मुझे किसी ने बोला कि गिरीश वहाँ पे पार्टी में आ रहा है धीरे धीरे, तो जब मैं वहाँ पर गई तो मैंने गिरीश को देखा, मैंने इंक्वायरी ऑफिसर को कॉल किया वहाँ से कि सर गिरीश मेरे सामने है, मैं क्या करूँ, तो उन्होंने बोला कि हमको आने में तो टाइम लगेगा, आधा एक घंटा लगेगा, तो क्या कहते हैं, फिर मैंने कहा फिर सर मैं क्या करूँ, तो मैंने 100 नंबर पर कॉल किया उनको, मैंने बताया कि सर ऐसा ऐसा बात है, तो उन्होंने बोला कि हम तो उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, जहाँ का आपका केस है वहाँ पे बात कीजिए, तो इंक्वायरी ऑफिसर ने बोला कि आप जाके उससे बात कीजिए क्योंकि हम तो वहाँ पे भी नहीं आ सकते, या आप लोकल थाने में जाइए वहाँ के। मैंने कहा सर लोकल थाना मुझे नहीं मालूम यहाँ का। जब आपको 15 अगस्त को दिखा उसके बाद आपको उसी समय बात हुई? नहीं, मैंने जब मैं उनके पास में गई तो वो मुझे देख कर भाग गए वहाँ से। फिर कब मुलाकात हुआ, यानी आपका फिर कब उसको देखा हुआ? उसके बाद मैंने उनको क्या कहते फूल बगान में देखा था, फूल बगान में जब मैं उनके पास गई कि मेरा पैसा दे दो, अगर तुमको मेरे साथ नहीं रहना है, मेरे साथ कुछ रिलेशन नहीं रखना, आप मेरा कम से कम मेरा पैसा तो दे दो क्योंकि लोन बढ़ता जा रहा है, मैं कहाँ से भरूंगी, मैं दूसरों के टुकड़ों पे पल रही हूँ, मुझे इतने अजनबी शहर में ना मेरे पास खाने का है ना कुछ है। तो वहाँ पे उन्होंने सबके सामने, उनके पार्टी के लोग थे बहुत लोग वहाँ पे, सबके सामने उन्होंने मुझे इतना गंदा बोला कि तू मैं पैसे नहीं दूंगा तुमको, जो करना है कर लो, तुम रंडी हो, तुम रखेल हो, ऐसा ऐसा बोलने लगे उल्टा सीधा। मैंने उसके बाद फिर मैं वहाँ से चली आई, तो उसके बाद फिर मैं थर्ड टाइम मैं जॉब के लिए बात करने गई थी किसी से वहाँ पे, तो वो मुझे दिखे तो मैं वहाँ पर उनके पास गई, फिर उन्होंने मुझसे बदतमीजी से बात की, मैंने उनको थप्पड़ मार दिया जोर से, फिर उन्होंने मेरे नाम से फूल बगान के पुलिस स्टेशन में मेरे नाम से GED करवाया कि ये मेरे को हरासमेंट करती है, ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा, मतलब उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को बुलाकर वहाँ पर पुलिस स्टेशन में मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट करवाई, तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला। आपसे आपका फिर उससे बात हुआ? उसके बाद उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे कॉल किया, ऑडियो कॉल, नॉर्मल ऑडियो, नॉर्मल कॉल नहीं किया ताकि रिकॉर्डिंग ना हो पाए, व्हाट्सएप पे कॉल करता है वो, तो बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसे मत करो, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन क्या कहते पैसे दिए नहीं आज तक। मैंने उन्होंने अगर आपको देना होता तो आप अभी तक दे दिए होते, आपको मालूम है कि मैं इतने दिन से परेशान हूँ, तो बोलते कि इस मामले में बीजेपी ने किन किन आदमियों से बात की थी? मैंने बीजेपी के दिनेश पांडे सर से भी बात की थी, दिनेश पांडे सर ने बोला हमने उनको मना कर दिया था पार्टी में आने के लिए, और शिवाजी रॉय से बात की थी उन, और शरद सिंह है जो उनके जनरल सेक्रेटरी, उनसे भी बात की थी। तो उन्होंने क्या कहा? शरद सिंह से बात किया? हाँ जी, शरद सिंह से बात, शरद सिंह से बात की। शरद सिंह ने क्या कहा? शरद सिंह से जब बात हुई थी, जब जिस दिन उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था उसके अगले दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, तो मैंने उनको बोला कि सर ऐसा सा बात है, मैंने तो वो मेरे को, मैंने उनको पहले बताया कि ऐसा सा बात है सर, उस टाइम पे उन्होंने मुझे इतना बोला कि तुझको मैं कोर्ट में नंगा करूँगा, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप देखिए क्या करना है, आप दोनों के लिए अगर आप लोगों का सेटलमेंट होता है तो आप देखिए, वरना तो आपके लिए भी कोर्ट खुला हुआ है, उनके लिए भी कोर्ट खुला हुआ है। तो मैंने कहा आपने शरद सिंह को क्या क्या बताया, डॉक्यूमेंट दिखाए? हाँ, सारे मेरे डॉक्यूमेंट उन्हीं के पास हैं, अभी भी उनके पास ही है, मैंने उनसे मांगे भी तो उन्होंने नहीं दिए मुझे। तो शिवाजी सिंह रॉय को बोले थे आप ये बात? शिवाजी रॉय को मैंने उनके बाद फोन किया कि सर अगर आप मेरे कोई हेल्प नहीं कर पा रहे तो आप मेरे डॉक्यूमेंट दे दीजिए, मेरे पास फोटो स्टेट कराने के लिए भी पैसे तक नहीं है, तो उन्होंने बोला था कि आप 3 दिन बाद फोन करना दुर्गा पूजा के बाद। मैंने जब दुर्गा पूजा के बाद उनको फोन किया तो वो बोल रहे इसमें हम क्या कर सकते, ये आपका पर्सनल मैटर है और वो हमारा क्या कहते पोस्ट होल्डर है, तो हम क्या कहते उसको पोस्ट से तो वो हटा नहीं सकते हैं, तो आप अपना कोर्ट में पुलिस में जो करना आप करिए, उसमें हमारा पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा सर जब पार्टी से कोई मतलब नहीं, जब मेरे
पुलिस स्टेशन में कोई बात होता है तो पार्टी के लोग आ जाते हैं, तो मैं तो अकेली पड़ जाती हूँ। तो आपने बागवती थाने में जो कंप्लेंट की, उस थाने से आपको क्या सहायता मिली? उनसे कोई सहायता नहीं मिली, वो मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। गिरीश तो मुझे बोलते हैं तुम्हारे इंक्वायरी ऑफिसर को मैंने पैसा खिलाया, वो मेरे अगेंस्ट कुछ भी नहीं करेगा, और जब भी मैं आयु को कॉल करती हूँ मुझे क्लियर कोई बात ही नहीं बताते। तो ऑफिसर से आपका लास्ट बात कब हुआ? जिस दिन मैंने उनको थप्पड़ मारा था उसी टाइम उन्होंने रात को एकदम से मुझे कॉल की थी। किसने फोन किया? इंक्वायरी ऑफिसर ने। कितना बजे फोन किया? 9:30-10 बज रहा था। हाँ जी। आपकी घटना शाम को कितने बजे हुई थी? 7:30-8 बजे। तो आपको लगता है कि गिरीश ने आपको फोन करके कहा होगा कि इसी तरह घटना हुई है? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एकदम से उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि आप ऐसे झमेला मत कीजिए, देखिए हम कर तो रहे हैं, ऐसा सब बोला उन्होंने। Don't forget to subscribe. Bell notification. Like or share.